लॉकडाउन के चौथे चरण का आज चौथा दिन है और इस बीच करीब दो महीने से बंद रहे ब्यूटी पार्लर्स और सलों को राज्य सरकार ने खोलने के आदेश जारी किए, जिसके बाद राजधानी जयपुर में सभी प्रमुख सलों और ब्यूटी पार्लर्स धीरे धीरे खुल गए हैं। सलों पर कस्टमर भी पहुंचने लगे हैं और पार्लर में आने वाली महिला कस्टमर भी काफी खुश नजर आ रही है। राजधानी के सलों और ब्यूटी पार्लर के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। लॉकडाउन का चौथा चरण है, सरकार की ओर से लगातार कई तरह की छूट दी जा रही है, जिसमें सैलून भी शामिल है। राजधानी जयपुर में सैलून खुल चुके हैं, तो धीरे धीरे अब सैलून के अंदर ग्राहकों की जो संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। लोग निकल भी रहे हैं और सैलून में पहुंच भी रहे हैं। अभी हम एक सैलून में पहुंचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीस की में स्थित सैलून में जो है सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा दिखाएं जिस तरीके से आप एक कस्टमर की एंट्री किस तरीके से रहेगी, वो पूरा प्रोसेस दिखाना चाहेंगे आपको कि आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर आई है, इसको बाहर गेट की एंट्री जस्ट सीट पर बिठा दिया गया है। इसके बाद सबसे पहले जो है सैनिटाइज किया जा रहा है स्प्रे के द्वारा। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इनको सेफ्टी के साथ जो है रूल है वो फॉलो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है सरकार ने जिस तरीके से नई गाइडलाइन जारी की, इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सैलून संचालक भी जो है सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं और जो है इसके बाद और भी प्रोसेस है उसको भी पूरा फॉलो किया जाएगा। आप देख सकते हैं अब जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है यहाँ पर एंट्री दी जाएगी कस्टमर को। चूंकि कोरोना का संक्रमण का कहीं खतरा है वो न रहे, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कस्टमर की एंट्री हो गई है। तो ये सीट है, सीट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं बकायदा गैप रखा गया है। और जो खास तौर से बड़ी बात ये है कि यहाँ पर काम करने वाले जो कस्टमर की एंट्री होने के बाद सबसे बड़ी जो है यहाँ पर एक इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कस्टमर की हिस्ट्री जो है यहाँ पर नोट की जा रही है। उसका कारण है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उसकी बकायदा नाम, उसके मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर नोट की जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सैलून में आने वाले की रिपोर्ट जो है अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई कोरोना के लक्षण पाने की जो है सूचना मिलती है या पाया जाता है तो जो है उसके लिए ट्रेवल हिस्ट्री उसकी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर सैलून में कौन आया, कब आया, कितने बजे आया, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर जो है रखी जा रही है। ये भी आफ्टर 2 मंथ लॉकडाउन के बाद हमारा काफ़ी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हमें लेडीज़ को काफ़ी थ्रेडिंग, हेयर कट सब चीज़ों की आदत होती है एंड ये सब हम नहीं मिल रहा था। एंड आफ्टर 2 मंथ बाद सलून्स ओपन हुए हैं और विथ प्रिकॉशंस हमें ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है, तो हम काफी अब राहत की सांस ले पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन पर भी काफी इंतजाम है, सैलून के संचालक भी हमारे साथ है। सर बताएं, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, इसके बाद कस्टमर आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कैसे फॉलो किया जा रहा है, क्या चेंजिंग? कस्टमर आ रहे हैं, लोगों में है क्रेज की जैसे ही सैलून खुले हैं तो उनको लगने लगा है कि हाँ, बट उनको ये है कि प्रिकॉशंस कैसे लिए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने दी है, फर्स्ट हम कंप्लीट, जैसे ही कोई कस्टमर आ रहा है तो कंप्लीट बॉडी उसका सैनिटाइज कर रहे हैं, शू कवर्स दिए जा रहे हैं, ग्लव्स देते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन हो रहा है। उसके अलावा जितना भी डिस्पोजेबल आइटम है वो क्लाइंट को दिया जा रहा है, जिससे कि जितना ज़्यादा हम इस वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कस्टमर के जो सामान यूज होता है अक्सर उसको जो है डिस्पोजल पर फोकस किया गया है ताकि एक दूसरे का संक्रमण न फैले, अभी हम आप अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से सैलून के अंदर जो है सावधानी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक लेडी कस्टमर है वो आए हुए हैं और यहाँ पर आईब्रो किया जा रहा है, तो आईब्रो में भी देख सकते हैं आप एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि पहले जो है ये धागा मुंह में पकड़कर किया जाता तो अब इसमें नए तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की गई है क्योंकि संक्रमण का कहीं खतरा न रहे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि शर्प जो है हेड है अब उस पर जो स्टाफ ने बांध रखा है उसके अकॉर्डिंग करें उनसे ही बात करते हैं। क्या चेंजिंग आया है ये आईब्रो की जो नई टेक्निक आपने इस्तेमाल की है? ये जो हमने नई टेक्निक यूज़ की है इसमें क्या है कि एक तो मुंह में नहीं ले सकते हम इसको, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, वो चीज़ नहीं है। तो और एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनता है, हम लोग भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर भी मास्क यूज़ कर रहा है, तो उससे संक्रमण का खतरा कम रहता है। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेडी कस्टमर है जो यहाँ पर पहुँची हुई है, जो देख सकते हैं कि इनका
जो प्रोसेस है उसमें भी सावधानी बरती जा रही है। देख सकते हैं कि कस्टमर भी मास्क में है, ग्लव्स पहने हुए, इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी मास्क में है। हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, बताएं किस तरीके से वक्त बीता आपका, लंबा इंतजार, और अब सेफ्टी किस तरीके से रखी जा रही है? यहाँ हर तरह से सेफ्टी रखी जा रही है। एंटर करते ही मुझे पूरा सैनिटाइज किया गया और मेरा टेम्परेचर चेक करा, फिर मुझे ग्लव्स पहनाए, मेरे शूज़ में भी उनको कवर किया गया, तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ सब ने मास्क लगा रखा है, हेड कवर कर रखा है, जो हेयर ड्रेसर है उन्होंने तो पूरा पीपीई किट पहन रखा है, तो हर तरह की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, तो धीरे धीरे अब कस्टमर में जो कोरोना का डर है वो खत्म हो रहा है उनका कहना है, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन का यहाँ पर सैलून संचालक भी पूरे तरीके से पालना कर रहे हैं। जरूर एक बीमारी है जिससे खतरा जरूर है, लेकिन अगर इसे सावधानी रखी जाए तो इस बीमारी को जरूर हराया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।